बच्चों, आपने त्रिभुज के गुणों के बारे में देखा और कुछ प्रमेय भी प्रमाणित किए, सिद्ध किए, और आपने देखा कि हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के समानताओं पर बात कर रहे थे अभी तक। कुछ गुण ऐसे भी हैं जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के असमानताओं पर आधारित होते हैं। आपको लग रहा है कि त्रिभुज में हम समानता असमानता की बात कर रहे हैं, तो उसका आधार क्या हो सकता है? तो एक बड़ी चीज और बड़ा और कारण बनता है जिस पे हम सोचें, वो है त्रिभुजों की असमानता। त्रिभुजों में जो असमानता होती है वो उसके अवयवों के कारण होती है। आपने देखा है कि त्रिभुज में कोण हैं, भुजाएं हैं, और यही इसके अवयव हैं। तो यदि हम त्रिभुज के कोणों को बदल दें, त्रिभुज के अलग अलग कोण बनाएं या उनके भुजाओं की लंबाइयां कम ज़्यादा कर दें, तो जो नई रचनाएँ होती हैं वो पहले वाले से अलग होती हैं। और जब हम असमान त्रिभुज बनाते हैं तब भी इनमें कुछ गुण हमें दिखाई पड़ते हैं, तो अभी हम उनमें से कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। उन्हें ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं या कोण जब छोटे या बड़े होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। हम एक छोटी सी गतिविधि करेंगे। हमने यहाँ पर एक बोर्ड पे पिन लगाया है और इस पिन में मान लीजिए हमने इनको नाम दिया, ये इसका नाम हमने रखा बी, बिंदु बी, और यहाँ पर हमने बिंदु सी नाम दिया, और ये जो दोनों को मिलाने वाली रेखा है उसको हम थोड़ी देर के धागे से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम यहाँ से एक और भुजा खींच लें, अगर जो सी से होकर किसी दिशा में जाती है, ये हमने एक भुजा बना रहे हैं त्रिभुज की, जिसे दूसरी तरफ खुला रखते हैं, इसे हम तीर के निशान से प्रदर्शित कर दें तो एक किरण बन जाएगी, और इसे हम किरण सी क्यू नाम दे दें। ये किरण सी क्यू है। और अब यहाँ पर एक बिंदु हम लें, मान लीजिए वो बिंदु हमने यहाँ पर लिया और इसे नाम दिया बिंदु ए। तो त्रिभुज की एक भुजा तो हमने बी सी बनाई थी और दूसरी भुजा बन गई ए सी, जो कि किरण सी क्यू पर एक स्थान पर बिंदु ए लेने पर बना। अब जब हम इसे मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हम त्रिभुज की तीसरी भुजा प्राप्त करते हैं। यदि हम यहाँ इस तरह से मिला दें तो ये हमको भुजा ए बी मिलती है, और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ निशान लगा लें कि हमें ए बी कहाँ मिल रहा है, ए कहाँ मिल रहा है। ये बिंदु ए को प्रदर्शित करता है। अब एक और बिंदु हम लें, मान लीजिए इस बिंदु को हम P कहते हैं, बिंदु P। जब हम P ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि PC AC से बड़ा हो गया। आप देख रहे हैं कि पहले हमने बिंदु A लिया तो त्रिभुज की एक भुजा AC बन रही थी, अब इसी किरण पर आगे जाकर हमने एक बिंदु P लिया तो त्रिभुज की भुजा PC बन रही है। ठीक है, अब हम इसको नाप के देखें तो आप देख रहे हैं कि ए तो यहाँ आ रहा था और ये हमको यहाँ कुछ आगे मिल रहा है, माने त्रिभुज की ये वाली भुजा की लंबाई भी बढ़ रही है और इस भुजा की लंबाई भी बढ़ रही है। लेकिन इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, इसको यदि आप देखना चाहें तो आप देख रहे हैं जब ये वाली भुजा, इस भुजा को जब हमने ए पर रखा तो ये एक रेखाखंड हमें जो मिल रहा था उसकी एक निश्चित लंबाई थी जो इसके बराबर थी, और इसकी भी एक निश्चित लंबाई थी। यदि इसको भी हम प्रदर्शित कर दें तो आप देखें इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, इसे हम इन टूटी हुई लाइनों से मिला दें, देखिए ये बी ए मिला, और पी लेने पर ये जो भुजा है वो हमें इस तरह से मिल रही है। पहले हमारी भुजा ए सी थी और उसके बाद पी सी हो गई, माने हमने इस भुजा की लंबाई को
ए से पी तक बढ़ा दिया, तो अब देखिए उसका फर्क क्या पड़ रहा है। पहले जो भुजा तीसरी हमें ए बी मिली थी, उसका इस बी के साथ कोण यहाँ बन रहा था, और जैसे हम पी को आगे बढ़ाए तो हमारा कोण ये बनने लगा। अब बता सकते हैं इन दोनों में कौन सा कोण बड़ा है? अब बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि भुजा बी ए जो कोण बना रही है बी सी के साथ, वो इसे प्रदर्शित हो रहा है, और भुजा बी पी जो कोण बना रही है बी सी के साथ, वो इससे थोड़ा और आगे जा रहा है, यानी कोण का मान बढ़ता चला जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब हमने त्रिभुज की भुजा को ए से लिया था तब ये कोण बन रहा था, और जैसे ही हम पी तक गए, हमारी भुजा बड़ी हो गई, तब ये कोण भी बड़ा हो गया। तो आप इस तरह से अगर कोई और बिंदु यहाँ पर लें, मान लीजिए हमने कोई आर बिंदु यहाँ पर लिया, आर बिंदु लेने पर फिर आप इसको यदि मिलाएं, इसके बाद और भी बिंदु लें, तो आप देखेंगे हर बार जैसे जैसे इस भुजा की लंबाई बढ़ रही है, वैसे वैसे इस भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता जा रहा है। तो इस गतिविधि के आधार पर हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई बढ़ती चली जाती है तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होता चला जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो आगे हमें और जगहों पर काम आएगा और हमारी मदद करेगा समस्याओं को हल करने में। एक और प्रमेय है जिसे हम 10.10 कह रहे हैं। एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इन प्रमेयों को आप गतिविधि के माध्यम से हल कीजिए और देखिए क्या ये गुण वास्तव में आपको दिखाई पड़ते हैं। प्रमेय 10.10। एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इस प्रमेय को हम यहाँ सिद्ध नहीं करेंगे, किंतु एक प्रयोग से इसे हम करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करें, और इसके लिए हम धागे और पिन का उपयोग करेंगे। हम पिन से और धागे से एक त्रिभुज की रचना करते हैं। एक हमने पिन लगाया और दूसरा पिन हम यहां लगाते हैं जो त्रिभुज की भुजा के दूसरे बिंदु को प्रदर्शित करेगा, और इसे यहां जोड़ लें, और तीसरी भुजा वापस हम यहां ले आए। इस पिन को थोड़ा ऊपर उठा के इसे भी शामिल कर दें उसके साथ। ये एक त्रिभुज हमने बना लिया। आप चाहें तो इनका नामकरण भी कर दें। मान लें त्रिभुज का शीर्ष, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा शीर्ष इसे बी से प्रदर्शित करें, और तीसरे शीर्ष को हम सी से प्रदर्शित करें। प्रमेय 10.10 ये कहता है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाएं कोई भी ली जा सकती हैं। हम यहाँ देखें कि हमारे पास जो भुजाएं हैं वो क्रमशः ए बी, बी सी और सी ए हैं। इनको हम चाहें तो नाप के इनका माप भी यहाँ पर लिख लें। हम भुजा ए बी लिखें, भुजा बी सी और भुजा सी ए। हम स्केल की मदद से इनकी लंबाइयाँ नापें और देखें कि यह जो बात प्रमेय में कही जा रही है वो यहाँ पर लागू होती है। हम सेंटीमीटर के पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। ये करीब 24.6 सेंटीमीटर है। बी सी की माप है 24.6 सेंटीमीटर। 24.6 सेंटीमीटर माप बहुत बारीक नहीं है, हम एक लगभग मान के आधार पर काम कर रहे हैं। ये है 14.4 सेंटीमीटर ए बी, 14.4 सेंटीमीटर। ए सी को भी हम नापें, ये 23.4 सेंटीमीटर है।
इसे में हम लिख लें 23.4 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि यदि हम किन्हीं दो को जोड़ते हैं तो क्या तीसरे से अधिक है। अगर आप ए बी और बी सी को जोड़ें, ए बी धन बी सी, तो आपको मिलेगा 14.4 धन 24.6। आप देख रहे हैं इनका योगफल होगा 6 और 4 10 के 0, हासिल आपको मिली 1, 5 और 4 9 और 2 और 1 3, ये हुआ 39.0 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि ए बी और बी सी को जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो 39.0 है, जो ए सी या सी ए के मान से बहुत अधिक है। आप देख रहे हैं सी ए की जो लंबाई है वो है 23.4 सेंटीमीटर। आप बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि इन दोनों का योग ए सी या सी ए की लंबाई से काफ़ी अधिक है, तो आप कह सकते हैं ए बी धन बी सी बड़ा है सी ए या ए सी से। तो ये देखिए, एक परिणाम तो हुआ कि हमने 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं के जोड़े बनाए, उनका योग किया और देखा कि उनका योगफल तीसरी भुजा से अधिक है। ऐसे ही आप किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ें और देखें क्या बची हुई तीसरी भुजा से उनकी लंबाई का योगफल अधिक है। आप हर बार पाएंगे कि किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ने पर उनका मान तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। आप कोई और भी त्रिभुज बनाएं और उसमें इस काम को करके देखें और ये पता करें क्या यही परिणाम हर बार आपको मिलता है।